खन्ना विच जायदाद दे झगड़े कारण बेटे ने अपनी ही मां दा बेरहमी नाल कतल कर दिता है। बुजुर्ग मां दे पेट विच एक तो बाद एक करके कई वार किए गए, जिस करके बुजुर्ग मां जिहड़ी है जख्मां दी ताब ना सहारदियां दम तोड़ गई। इन्ना ही नहीं, कातल ने उसके भरा से भी जानलेवा हमला कर दिता। मृतकों की पछाण जिहड़ी है बलजीत कौर वजो हुई है। बलजीत कौर पुत्र जंग सिंह ने दसिया कि वह पिछले काफ़ी समय तो अपने ही पिंड विच किरत वैष्णो ढाबे ते काम कर रहा सी। वह अपनी माँ नाल ढाबे ते मौजूद सी अते इसे दौरान जिहड़ा इह भरा परमिंदर सिंह आ गया, जिसने आके गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। परमिंदर ने एतराज़ प्रगटाया तां उसने ढाबे दी बिजली बंद कर दित्ती। जदों उसने उसका विरोध किया तां परमिंदर ने धक्का मुक्की शुरू कर दित्ती। इस दौरान जदों मां ने दखल देने की कोशिश की तां गुस्से च आए परमिंदर सिंह ने उसकी मां दे पेट विच चाकू नाल कई वार करके जख्मी कर दिता। जदों जंग सिंह ने अपना बचा करने की कोशिश की तां उसते भी कई वार हमले कर दिते। हमले तो बाद मुलजम मौके तो फरार दस्या जा रहा है। राम जंग सिंह जी, पता नहीं दारू पी के बड़ा भाई बड़ा परेशान कर रहा जगह जुगह पिछे सू माँ के मारे चाकू मेरी दे मेरे हाथों से लगे लिबड़ा पिंड आई मेरा ढाबा परमिंदर सिंह जी 70 साल आई। दारू पी के सानू तो कोई पता भी नहीं, बंदा असी घर भेजा दुध लैन वास्ते उन्होंने गाला कट के भेजाता घरों, क्योंकि मकान साढ़ा एक ही मैं उपर रहना वो थले रहना। अभी घर गए जानू आके ढाबे दुकान लाइटा बंद कर दी, ढाबे से अभी अभी सड़क तो उतरे ही जदे चाकू लेके पै गया साढ़े मगर चाकू ढाबे ढाबे के बाहर मारे जी चाकू। माता की हालत गंभीर आ, चाकू उन्होंने काफ़ी लगे ढिड भी लगे मेरे हाथ से लगे दो गुटे का हाथ से बढ़िया गया अपनी सिविल अपने सदर के बच्चे रिपोर्टा कई लिखाई भी इन कोई बंदोबस्त करो, लेकिन सदर वाले ने कोई राह नहीं दिता सानू, कोई ये कार्रवाई नहीं करी, कोई इनू डांटिया नहीं कुछ नहीं करे, उल्टा 57 का परचा करके साढ़े अंदर परचा करता मेरे ये कहने से, क्योंकि इन्हों पहला भी अभी फोटो दिखाई साड़ी लड़ाई झगड़े दी सा आके हमला करता है साढ़े को फोटो सारा कुछ सबूत आ। 3 महीने हो गए सानू इन परेशान करते हैं। माता की हालत गंभीर है, हिसाब से चाकू लगे। DSP राजेश शर्मा ने दसिया कि पुलिस ने हमले में जख्मी हुए जंग सिंह के बयान के आधार पर परमिंदर सिंह खिलाफ जिहड़ा है कतल का मामला दर्ज कर लिया है। कतल और इरादा कतल दियां दोवें धाराएं लगाई गई हैं और मुलजम की भाल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सन न्यूज। थाणा सदर दे विच GT रोड उत्ते कीर्त ढाबा पैंदा पिंड लिबड़ा दे विच, उत्थे जंग सिंह ने बयान लिखाया भी उहदी माता बलजीत कौर नूं परसों रात नूं उहदे भरा परमिंदर सिंह ने तीर हथियार नाल वक्खी च सट्टा मार के कतल कर दिता वा। उहदे बचा लई जंग सिंह भी अगे आया, उहदे भी दोनों हत्थां ते खब्बे हत्थ ते सज्जे हत्थ ते अंगूठे दे उत्ते सट्टां लगी होईआं ने। जंग सिंह दे बयान दे उत्ते असीं मुकदमा नंबर 203, 302, 307 IPC थाणा सदर दर्ज कर लिया वा, जिहदी तफ्तीश जारी है। वह तो बेटा जी, वह तो बेटा वा परमिंदर सिंह, तो एक ही घर के बच्चे रहते ने, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है इन्हों का जायदाद को लेकर रौला इन बात। पहला इन्हों का विवाद चलता जी, वो संबंधी रुकू कार्रवाई की गई थी, पहले इन्हों का झगड़ा से दरखास्त वाई चलती थी इन्हों की, वो संबंधी रुकू कार्रवाई की हुई है।